आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम। मैं ऋचा, डिवाइन विष्णु आदिचार पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, टेक गुड केयर ऑफ सब, बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर और आपकी चेहरे पे मुस्कान देखने के लिए, ठीक है? तो अगर आप नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो ब्रिंग बैक योर लॉस्ट स्माइल, बिकॉज दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी ओपनिंग योर आईज एंड गोइंग टू बी एन अवेकनिंग रीडिंग फॉर यू। ओके, सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग जो टॉपिक है इसका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर यू फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, उनके लिए आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कितनी अहमियत रखते हैं आप अपने पर्सन के लिए। अभी पर्सन कोई भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि लव इंटरेस्ट ही हो, बट यस, लव इंटरेस्ट को माइंड में रख के आप रीडिंग देख सकते हो। लाइक लवर, एक्स क्रश, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वर्क कलीग, हस्बैंड, वाइफ, योर एक्स, कोई भी हो सकता है, कि आप इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो, कितनी अहमियत रखते हो, वो हम आज जानने वाले हैं, ठीक है? सो हमारे पास यहाँ पे हैं 3 पाइल्स। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिसेंटली मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतने बहुत सारे लाइक्स और सब्सक्राइब्स मुझे मिले हैं यहाँ इस चैनल पे। एंड नाउ वी आर 40,000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, मीन्स द वर्ल्ड टू मी। जो लोग इस डिवाइन विजन आर्टी फैमिली का हिस्सा है, गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू, एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, रिमेंबर दैट। तो इस वीडियो को आप मेरे चैनल की कोई भी वीडियो उठाकर आप देख सकते हो। कभी भी अकेला तनहा महसूस कर रहे हो, या कभी भी आप परेशान हो, दुखी महसूस कर रहे हो, किसी दोस्त की ज़रूरत आपको महसूस हो रही है, तो बस डिवाइन विजन आर्टी चैनल पर जाइए और जो टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, जैसे करियर है, फाइनेंसेस है या लव लाइफ है, उससे रिलेटेड टॉपिक सिलेक्ट कीजिए और वीडियो देखिए, आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, ऊपर वाला है जिन्होंने गिफ्ट दिया है, और उनके माध्यम से आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन ज़रूर मिल जाएगा मेरे वीडियोज़ के थ्रू, ठीक है? तो सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द ट्राइब। ओके, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दोज़ हु हैव सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल। मच लव, मच लव। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है 3 पाइल्स। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ये है पाइल 3। लेट मी रिपीट, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ओके, दिस पाइल 1 इज दिस ब्राउन बीडेड ब्रेसलेट, ब्राउन बीड्स। ओके, brown beads, and pile 2 is this brown colored bangle. Okay, pile 2 is this dark chocolate colored bangle. Okay, pile 3 is this copper and silver colored bracelet. Okay, I hope you guys can see it. So you can pause the video so you can select better. ओके, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप ताकि आप बेटर तरीके से सेलेक्ट कर पाएँ, ठीक है? और आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। ओके, तब तक हम ओम चैंटिंग करेंगे, ठीक है? चलिए मेरे साथ आप जो है, जिसमें आपको बताती हूँ, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से, कैसे पल की तरफ आपको ले जाए, उनको थैंक यू बोला मत भूलेगा। चलिए आप ओम चैंटिंग करते हैं। ओके, अब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अब तक। इफ यू नीड मोर टाइम यू कैन पॉज द वीडियो। ओके, चलिए देखते हैं। एंड फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दिस इज जस्ट अ जनरल रीडिंग, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, ठीक है? और इस किसी भी रीडिंग के बेसिस पे आप हमेशा यूज योर डिस्क्रिप्शन टू फॉलो द गाइडेंस, ओके, दैट आर गिवन ऑन द वीडियोस, ठीक है? सो चलिए पाइल 1 से शुरुआत करते हैं, जिन्होंने ब्राउन बीड सेलेक्ट किया था। ओके, दिस इज योर रीडिंग।
कार्ड जो है प्री शफल्ड है, तो जो कार्ड्स मुझे आएंगे, जितने कार्ड्स आएंगे वही कार्ड्स मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए, पहला कार्ड जो साढ़े को आया है दैट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। द टावर, फाइव ऑफ कप्स। सो आपके और आपके पर्सन, ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं कि क्या आप इनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं कि नहीं रखते, मैं ये कहूँगी कि पहले आप काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते थे और अभी भी काफ़ी कुछ हद तक 20% तक इम्पोर्टेंस आप रखते हो इनके लिए। और आप लोगों के बीच में कुछ ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, या किसी तरीके का कुछ ईगो क्लैशेस हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है आप लोगों के बीच में, जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों ने, हो सकता है कि डिवोर्स कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि हुआ है। जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है, डिवोर्स मांगा गया है किसी से, ठीक है। ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला और फिर ये वहाँ से आपकी लाइफ से निकल के फुर्र हो गए, लेकिन उसके बावजूद थर्ड पार्टी इनको बहुत डोमिनेट कर रही है और आपसे अलग रख रही है, लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। आपके ख्याल इनको सताते हैं, रातों को जगाते हैं और ये रोते हैं आपको याद कर करके, आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। ये रोते हैं आपको याद कर करके और आपको मिस करते हैं, ठीक है। हो सकता है छुप छुप के रोते हों, ठीक है। तो ये आप इम्पोर्टेंस तो रखते हो इस पर्सन की लाइफ में, नहीं तो ये रोते ना आपको याद करके। ओके, ये पर्सन रोते ना आपको याद करके अगर ये आप इनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते। तो इम्पोर्टेंस आप रखते हो, बट धीरे धीरे टाइम के साथ वो इम्पोर्टेंस जो है थर्ड पार्टी किसी तरीके से ऐसा कर रही है कि इम्पोर्टेंस कम हो जाए, ठीक है। तो अब ये तो देखना बाकी है कि क्या वो थर्ड पार्टी सक्सीड कर जाएगी या फेल हो जाएगी। उसके लिए आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स ले सकते हो, उसमें मैं आपको आराम से बताऊंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करके प्राइवेट रीडिंग्स ले सकते हैं। सो इम्पोर्टेंस आप रखते हो इस पर्सन के लिए, बट फिलहाल जो थर्ड पार्टी है वो टेक ओवर कर रही है, ठीक है। और थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे पर्सन ही दिख रहा है या दिख रही है, ठीक है। सो 20-30% आप इम्पोर्टेंस रखते हो उस पर्सन की लाइफ में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत डोमिनेंट है इस रीडिंग में। आई हर्ड केप्रिकॉन, ठीक है। बट रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, जोडिक्स एंड रेजोनेट नहीं हुए तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। सो चलिए फ्रेंड्स, यही थी पाइल वन की क्विक टू द पॉइंट रीडिंग विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश। मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए पाइल वन, सी यू अनदर रीडिंग, बाय बाय। हेलो पाइल टू, कैसे हो आप सब, वेलकम टू योर रीडिंग। और आज हम देखने वाले हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है आप उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो, ओके, या अहमियत है आपकी उनकी ज़िंदगी में, ओके। सो ये रीडिंग हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। सो चलिए, जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये चॉकलेट कलर्ड बैंगल, ओके उसमें आपको चॉकलेट्स काफ़ी पसंद हो, या आपके पर्सन ने आपको गिफ्ट करी हो, या आपने गिफ्ट करी हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है आपकी, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो फ्रेंड्स याद रखिए, दिस इज ओनली अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव व्हाट डज नॉट, ओके। चलिए, पहला कार्ड हमारे पास आया है टू ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स, then we have the wheel of fortune, then we have the hierophant, then we have the lovers. So क्या importance रखते हो आप अपने person की life में, भाई जो भी चल रहा हो ना उनकी life में, कोई भी इंसान से वो मिलते हो, 10 लोगों से मिलते हो, 50 लोगों से मिलते हो, आपकी जो अहमियत है ना वो अलग है, ठीक है। आपकी शख्सियत ही अलग है, आपकी अहमियत अलग है, आप उनके लिए बेहद खास हो, इम्पोर्टेंट हो आप उनके लिए, मैं कैसे कह सकती हूँ।
बताती हूँ कि मैं कैसे कह सकती हूँ, ठीक है? राज जानिए कि राज क्या है, ठीक है? पहले तो ये पर्सन दूर से आप पे नज़र रखते हैं, सोशल मीडिया पे नज़र रखते हो या आपके किसी भी तरीके से आप पे नज़र रख सकते हो, लेकिन वो नज़र रखते हैं आपके ऊपर, ठीक है? अब अच्छा, फिर ये पर्सन जो है चाहते हैं कि आपको विजिट करें, आपसे मिलने आए, ठीक है? इस पर्सन के पास एक पेट हो सकता है, आपके पास हो सकता है। आई एम गेटिंग अ गोल्डन रिट्रीवर फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो, कोई पेट है आपके पास या आपके पर्सन के पास, ठीक है? तो हो सकता है आपको एनिमल्स काफ़ी पसंद हो या आपको बच्चे भी बहुत पसंद हो, तो फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन के बच्चे हो सकते हैं अगर वो सेकेंड अलायंस देख रहे हैं तो, ठीक है? नॉट ऑल ऑफ यू, फॉर सम ऑफ यू, ठीक है? तो आपने जब इस पर्सन की ज़िंदगी में आए हो जब से, तो आपने तो इनकी किस्मत का पहिया ही घुमा दिया। आपने इस पर्सन को, जैसे वो पर्सन थे ना, उनमें 180 डिग्री चेंजेस आए हैं, ठीक है? ये पर्सन उससे पहले काफ़ी एरोगेंट हो, स्मग हो, कॉम्प्लेसेंट हो, मतलब ओके सॉरी हिंदी में, ये पर्सन हो सकते पहले काफ़ी घमंडी हो, एरोगेंट हो, गुस्से वाले हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पहले अब्यूज़र थे, लेकिन धीरे धीरे आपकी इनकी ज़िंदगी में आने से उनकी शख्सियत ही बदल गई है, सुधर गई है, इम्प्रूवमेंट्स आए हैं उनमें, उनको प्यार की अहमियत समझ में आई है, उनको हर चीज़ पैसे से नहीं तोड़ी जाती है, उनको समझ में आया है, ठीक है? तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं। फ्रेंड्स आपको मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं। व्हाई आई कैन से दिस, बिकॉज वी हैव द हायरोफैंट एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि ये पर्सन आपको एज मैरिज मटेरियल देखते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और सिर्फ शादी नहीं, उनको आपसे मोहब्बत भी बहुत है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है? तो लवर्स का कार्ड आया, जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुली इन्वॉल्व दे आर इन टू ईच अदर, लाइक देयर लव, देयर केमिस्ट्री, द यूनियन, यू नो, इट्स जस्ट अमेजिंग। लुक एट दिस कार्ड, हाउ ही इज लुकिंग एट हर, ऑब्जर्विंग हर ब्यूटी एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। सो ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत अहमियत है। आई एम फीलिंग कि ये पर्सन दिखाते नहीं है आपको, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है पीठ पीछे आपकी तारीफ करते होंगे, लेकिन आपके सामने बिल्कुल नहीं दिखाते होंगे। लेकिन कोई अगर आपकी तरफ फिंगर पॉइंट आउट कर रहा है, सबको चैनल है जो मैं बोल रही हूँ, कोई अगर आपकी तरफ फिंगर पॉइंट आउट करता है, तो ये पर्सन सबसे पहले खड़े हो जाते हैं कि तुम ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है? आप अगर रूठ जाते हो तो आपको मनाने के लिए कोशिश भी करते होंगे ये पर्सन, ठीक है? तो आप इनके लिए डेफिनेटली 100% अहमियत रखते हो। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे। जोडिक साइंस बता रही हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो एंड टॉरस, जेमिनाई, ठीक है? ये सारे जोडिक साइंस हैं। अगर आपको रेजोनेट हुआ है रीडिंग, तो जोडिक साइंस नहीं रेजोनेट हुए हैं तो कोई बात नहीं, रीडिंग आपके लिए ही है। तो फ्रेंड्स, पायल 2 में आपको मिलूंगी नई रीडिंग, तब तक के लिए सेवनारा। हेलो पायल 3, हाउ आर यू गाइस, कैसे हो आप सब? स्माइल कर रहे हो ना, क्योंकि आपकी स्माइल मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। चलिए देखते हैं, जिन्होंने पायल 3 का ये सिल्वर एंड कॉपर ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था, देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में आपकी क्या अहमियत है, ठीक है? क्या इम्पोर्टेंस रखते हो आप उनकी लाइफ में? चलिए देखते हैं, पर्दाफाश करते हैं, ठीक है? चलिए, पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्स, 9 ऑफ वॉन्स, 7 ऑफ वॉन्स, 5 ऑफ वॉन्स। स्ट्रेंजली सारे कार्ड्स वॉन्स के आए हैं। फायर एलिमेंट हो सकते हो आप, या आपके पर्सन या आपकी चार्ट में इसकी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हो सकती हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि की प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में, आपके पर्सन के चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, ठीक है? या इस सीजन में कुछ हुआ था आप लोगों के बीच में, कुछ ट्रांसपायर हुआ था, ठीक है? ये जो रीडिंग आई है ना, हिला के रख दिया है भाई, ओके?
ठीक है, आप लोगों के बीच में किसी कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, डिसएग्रीमेंट हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, सेपरेशन हुआ था, या किसी तरह का आपके पर्सन को लगता है कि बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन सा फील होता है उनको आपके साथ में कि आपके काफ़ी एडमायरर्स हैं, आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, काफ़ी डिज़ायरेबल हो आप, ऐसे वो आपको देखते हैं, ठीक है। या आप लोगों के बीच में काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, आपकी मेल सोच जो है वो मेल नहीं खाती है कुछ चीज़ों को लेकर, टॉपिक्स को लेकर लाइफ के, आप चाहते हो पर्सन आपके लिए स्टैंड ले जो ये शायद नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये पर्सन इस कनेक्शन को लेट गो भी नहीं करते हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, आप कंफ्यूज्ड हो कि भाई चाहता क्या ये इंसान, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी है, प्राइवेट रीडिंग ले लो, आपको पता चल जाएगा क्या चाहता है आपके पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन के लिए आप अहमियत तो रखते हो, इम्पोर्टेंस रखते हो, बेशक भी पुट ऑन मास्क कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, हमारी सोच मेल नहीं खाती है, हमारी पर्सनालिटीज अलग हैं, या मुझे तो आपको हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि इनको बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग चाहते हैं, ये पर्सन अपने करियर के टॉप पे हो सकते हैं, आप अपने करियर के टॉप पर हो, तो ये पर्सन नर्वस हो जाते हैं आपके सामने, उसके उन्होंने आपसे कहा भी हो ये चीज़, आपके सक्सेस के बारे में कुछ बात करी हो, कॉम्प्लीमेंट किया हो आपको, जस्ट चैनल मैसेज, ओके। सो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन के लिए आप अहमियत रखते हो, 70% अहमियत आप इस पर्सन की लाइफ में रखते हो, बाकी जो 30% है वो जो भी डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाइयाँ, सेपरेशन आप लोगों के बीच में हुआ है, कुछ लोगों के केसेस में डिवोर्स हो सकता है, कुछ लोगों के केसेस में हुआ है या कोई लीगल बैटल हुई है, ठीक है, तो वो चीज़ उनको आपसे थोड़ा दूर कर देती है, ठीक है। वो आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन वो फिर उसके बारे में सोच के पीछे हट जाते हैं, कोई है जो उस चीज़ के बारे में बार बार उनको याद दिलाता है या आपसे अलग करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल अहमियत रखते हो अपने पर्सन की लाइफ में, तभी वो इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते, लैब को खोना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, और आने वाले टाइम में 7 weeks to 7 months में हो सकते हैं पर्सन को स्टैंड भी ले सकते हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके कनेक्शन के लिए, या आपकी लाइफ में वापस आने की एंट्री मारने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। सो लेकिन आई एम फीलिंग जो अगर आप फेमिनिन हो तो आप इस कनेक्शन में आप इट विल बी योर डिसीजन, योर कॉल, ठीक है। आप फैसला करोगे कि आपने अलाउ करना है इस पर्सन को कि नहीं करना है, और फैसला आपका होगा फेमिनिन, स्पेशली जो फेमिनिन है इस कनेक्शन में, ठीक है। अगर आप मेल हो तो आप स्टैंड लोगे इस कनेक्शन में, ठीक है। मुझे लग रहा है काफ़ी मेल्स ने स्टैंड लिया भी है इस कनेक्शन में, लेकिन उनको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उनको, मुझे फीलिंग हो रही कि उनको हर्ट हुआ है उल्टा, ठीक है। लेकिन जो फेमिनिन्स है इस कनेक्शन में, आप जो है फैसला करेंगी कि आपको क्या चाहिए, पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, और जब तक ये पर्सन वापस आते हैं उसके आप अपने करियर में टॉप पे होंगे, जो आप मेल हैं फीमेल हैं, आप अपने करियर के टॉप पे होंगे जब तक कि वापस आते हैं, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्या अहमियत रखते हैं आप आपके पर्सन की लाइफ में। तो इस तरह की रीडिंग्स अगर आप और एंजॉय करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, एंड यू हैव टू जॉइन द फैमिली ऑफ डिवाइन विजन आईडी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ऐसा करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग देखकर ही चले जाते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों करते हो भाई, क्या गलती हो गई मुझसे, ठीक है। चलिए, सो आई सी यू अनदर रीडिंग, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप इस चैनल को डोनेशंस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़न टैरो विश लिस्ट मेंशन है, और जो भी डोनेशंस आप करेंगे वो इस चैनल के लिए ही यूज़ किया जाएगा, इस चैनल के लिए यूज़ किया जाएगा, तो देयरफॉर आपकी भलाई के लिए यूज़ किया जाएगा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा उससे, ठीक है। चलिए, सो शुरुआत करते हैं अब एक नई जिंदगी की, नए चैप्टर की लाइफ में, पुराने को गुड बाय कह दीजिए क्योंकि अब आने वाला है न्यू ईयर, तो मुस्कुराइए, स्माइल करिए और खुश रहना सीखिए, जिंदगी को आज में जीना सीखिए, ठीक है। सो चलिए, जैसे मैं कहती हूँ कि पास्ट इज ओनली अ प्लेस ऑफ रेफरेंस नॉट रेजिडेंस, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। सो चलिए, आपका भविष्य उज्जवल हो, खूबसूरत हो, और आपकी जो विश आपके हाईएस्ट इंटरेस्ट में हो वो पूरी हो, यही मेरी विश है। आप सबको न्यू ईयर्स की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आपको मिलूंगी नए रीडिंग में, और तब तक के लिए सेवनारा।